एकता में ही बल है और इससे किसान का सुनहरा कल है। एकता की मिसाल है किसान उत्पादक संगठन FPO। FPO में किसान फसल उत्पादन से लेकर विपणन तथा मूल्य वर्धित कृषि भी खुद ही करते हैं। हम सब किसान मिलकर एक संगठन बनाया है ताकि किसान को अच्छी से अच्छी रेट मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO के गठन व उन्नति के लिए भारत सरकार की एक विधिवत केंद्रीय योजना का प्रमोशन किया है। साथियों, बहुत पुरानी कहावत है कि एकता में शक्ति होती है। ये बात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है। 15% FPO आकांक्षात्मक जनपदों में बनाए जाएंगे तथा आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें एक जनपद एक विशेष उत्पाद ODOFP पर जोर दिया जाएगा, जिससे उत्पाद मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण व उत्पाद निर्यात में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 2020-21 में 2,200 किसान उत्पादक संगठन बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें 130 जैविक फसल उत्पादक, 100 तेल बीज उत्पादक और 50 विशेष फसलों के उत्पादक संगठन हैं। नेफेड द्वारा शहद उत्पादक विधिवत FPOs का गठन तेजी से किया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठन को क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन CBBO के जरिए FPO का गठन व पेशेवर सहायता सहयोग दिया गया है। क्लस्टर आधारित CBBO का गठन नेफेड, SFAC, नाबार्ड व NCDC इत्यादि द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक FPO के गठन व संवर्धन के लिए 18 लाख की राशि सुनिश्चित की गई है, जो FPO के वेतन सहयोग व कार्यालय खर्चों आदि के कार्य के लिए है। ये राशि FPO को 3 वर्षों में सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। अधिकतम 2,000 रुपए की राशि प्रत्येक किसान को मैचिंग इक्विटी के लिए निर्धारित की गई है। 2 करोड़ तक की राशि क्रेडिट गारंटी तथा परियोजना लोन के लिए सुनिश्चित की है। बर्ड लखनऊ, लाइने गुड़गांव व नियाम जयपुर इत्यादि केंद्रों पर किसानों के प्रशिक्षण व कौशल निर्माण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे किसान शिक्षित, कुशल व उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। CBBO के जरिए FPO को व्यापारिक योजना बनाकर उनकी उन्नति में सहायता व सहयोग दिया जा रहा है, जिससे भारत में प्रसंस्करण व उत्पाद निर्यात में बढ़ोतरी होगी। खेती को मिली एक नई पहचान। हर एक काम देश के नाम।